जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीएससी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हर साल पूछा जाता है। ये मतलब ये फिक्स है क्वेश्चन कि हर साल पूछ ही जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊँगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा और इस पर एक एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। और ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें आपको लीनियर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि ये मतलब क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन को आपको सोल्व करके इस dy/dx के फॉर्म में लाना होगा, जहाँ से आपको पता चलेगा p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा, इसे सोल्व करके इसके फॉर्म में लाना होगा। जैसा कि देख सकते हैं इसके फॉर्म में दिया हुआ है सब पहले। ठीक है, इसमें आपको पता करना है मतलब p का मान क्या है। तो p का मान क्या होगा, इसमें p के मान जैसे p के में क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है, तो इसमें भी y लगा हुआ है। तो y को छोड़कर दो बच क्या बचा, दो बचा और tan x बचा, यही y का मान हो गया। और x का मान मालूम करना होगा, तो x का जो लास्ट में है बराबर कुर साइन, ये आपका सॉरी x नहीं q है, q का मान आपका हो जाएगा sin x। इसके बाद इतना करने के बाद आपको if निकालना होगा, e^px मतलब e^ जो p का वैल्यू यहाँ से निकालने हैं 2 tan x, इसका मान यहाँ पर धके आपको इंटीग्रेट कर देना होगा। इसको इतना निकलने के बाद आपको फिर से निकालना होगा y गुने if और इतना आपको इंटीग्रेट करके सबका मान बैठा कर आपको इसका इंटीग्रेट करना होगा। और ये इसका बेसिक है, मतलब आपको तीनों अप्लाई करना है एक क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर y के फॉर्म में हो तो y यहाँ पर लिखना है सिर्फ, अगर आपको x के फॉर्म में आ जाए तो x ही लिखना है सब में। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, ठीक है, इसके बाद आपको एक बार क्वेश्चन फिर से उतार देना है। क्वेश्चन उतारना नहीं, जैसे इतना लिख देना है, इसमें क्या कॉमन लेना है, x कॉमन लेकर इतना लिख देना है। इसके बाद आपको इस वाले फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले बोथ साइड आपको 1 - x² से आपको डिवाइड करना होगा बोथ साइड चारों तरफ। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको सिंपल सबके नीचे डिवाइड लिख देना है, 1 - x² 1 - x² यहाँ से ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं कटने वाला है, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, बचा x। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फॉर्म में आ चुका है, मतलब dy/dx इसके फॉर्म में आ चुका है। और p का मान यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि y इसमें लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमको मालूम चल गया कि p का मान क्या होगा, -2x / 1 - x². ठीक है, इसका q का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना निकलने के बाद आपको हमको बताया हुआ था कि इसके बाद ये हो जाने के बाद आपको if निकालना है। तो if का फॉर्मूला क्या होता है, e^p dx। तो हम p का मान क्या निकाले हुए हैं, इतना निकाले हुए हैं, तो सिर्फ आपको p की जगह यहाँ पर ये रख देना है और यहाँ पर dx लिख देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि देख सकते हैं इतना करने के बाद इसका जो होता है इंटीग्रेट हम करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log 1 - x², जैसा कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इतना निकलने के बाद आपको कुछ लॉग को तोड़ने के बाद आपको 1 - x² आ जाएगा, और लॉग यहाँ से e^ से हटेगा तो 1 - x² आ जाएगा। सो दे रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्यूशन। इसके बाद इतना निकलने के बाद आपको बताया हुआ था कि इसका तोड़ना है आपको y (if) लिखना है और इसका घेर कर इंटीग्रेट q (if dx + c). इसका आपको कुछ नहीं करना, जो मान दिया हुआ है माइंड में बैठा देना है y के, तो y ही लिखना है, y का मान नहीं दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है। इसका if क्या निकाले हम, 1 - x² यहाँ पर लिख दिए, q को हम कुछ माने हुए वहाँ पर लिखे हुए थे, x लिखे हुए थे, if का मान यहाँ पर लिख दिए और ये c लिख दिए, और x को अब सब में मल्टीप्लाई कर देना है तीनों में। ठीक है, इसको सेम टू सेम लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ये 1 में थे x dx और इसमें करेंगे थे x³, और इसका सब इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह प्राप्त हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेट आपको आता ही होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2, इसका कोई ना 4 x³, यहाँ पर क्या दे 2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, आपको यहाँ पर 2 है, सॉरी 2 नहीं है, क्वेश्चन में आपको 3 ही दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा और / 4 ऐसे ही आपका यही आंसर होगा। ठीक है,
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्ट, मतलब आपको आज मैं कंसेप्ट बताया हूँ, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कल मैं आपको जो पिछले साल 2016 में, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी को कराने वाला हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना बात को ध्यान रखिएगा, डिविजन कीजिएगा, और मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।